अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये कैरियर का चिलर है जिसका मॉडल 30XA है। आज हम देखेंगे कि इसमें अलार्म आ जाता है तो उसे कैसे चेक किया जा सकता है। ये जो राइट साइड में लाइट है ये रेड कलर की, इसका मतलब है कि चिलर ट्रिप है और अलार्म आया हुआ है। और ये ऑन ऑफ का बटन है चिलर का। तो स्क्रीन में ऊपर की साइड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ट्रिप आउट लिखा हुआ है कि चिलर ट्रिप हुआ है। और राइट साइड में स्क्रीन पे 30XA इसका मॉडल शो हो रहा है। तो स्क्रीन में नीचे ये डॉट डॉट का बॉक्स सा बना हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो अलार्म्स का ऑप्शन है इसको प्रेस करके तो हम देख सकते हैं कि इसमें किस चीज़ का अलार्म आया हुआ है। तो इसको हम प्रेस करेंगे जी, ये फर्स्ट ऑप्शन है अलार्म हिस्ट्री। तो जब हम अलार्म हिस्ट्री को प्रेस करेंगे तो ये अभी तक इसमें जितने अलार्म आए हुए हैं तो वो ये स्क्रीन पे बता देगा कि वो अलार्म कब आए थे और किस वजह से आए थे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। वापस जाने के लिए एरो का बटन, एरो का स्क्रीन पे बना हुआ है तो इसे प्रेस करेंगे तो ये वापस चला जाता है। अब इसको रीसेट करने के लिए ये रीसेट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है इसको रीसेट करने के लिए। तो इसको प्रेस करेंगे और ऊपर लिखा हुआ आ गया है कि रीसेट अलार्म। अगर आपने ओके करना है तो ये तीर का जो निशान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ओके करेंगे तो ये अलार्म रीसेट हो जाएगा, यानी ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा चिलर। तो हम इसको ओके कर देते हैं जी, डबल प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। ये लाइट बंद हो गई, अब जो लाइट अलार्म की आ गई थी वो बंद हो गई, यानी ये रीसेट होना शुरू हो गया। तो स्क्रीन में नीचे ये जो घर सा बना हुआ उसे प्रेस करेंगे तो वापस दूसरे पेज पे, स्क्रीन के दूसरे पेज पे चले जाएंगे तो ये ऊपर आ गया डिले एल ऑन, यानी जैसा जिधर ट्रिप आउट आ रहा था वहाँ डिले आ गया, यानी ये रिस्टार्ट होना शुरू हो गया और ये अलार्म की लाइट भी ऑन ऑफ होनी शुरू हो गया। तो जब ऑन ऑफ हो रही है तो इसका मतलब अभी ये रीसेट होना शुरू हो गया, और जब स्टिल ऑन रहेगी तो इसका मतलब इसमें अलार्म आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तब ये रीसेट हो रहा है। अब स्क्रीन में ऊपर रेडी लिखा हुआ आ गया, यानी ये रेडी है चलने के लिए लेकिन अभी चला नहीं। तो कुछ मिनट बाद ये अब देख सकते हैं आपके रेडी की जगह रनिंग आ गया, यानी ये स्टार्ट हो गया। तो चिलर ऑन हो चुका है जी, तो चिलर अभी चल रहा है और जो अलार्म आया था उसको हमने रीसेट कर दिया है। रनिंग एल ऑन यानी रनिंग का मतलब ये चल रहा है, चिलर ऑन हो गया और ऑन पोजीशन पे है। ये 30XA इसका मॉडल नंबर है। अंधेरा हुआ है, रात का टाइम है तो इसलिए मैंने लाइट भी बंद की हुई थी मोबाइल की, कि स्क्रीन डिस्प्ले आप लोग को अच्छी तरह नजर आ सके तो लाइट ऑन किया। तो ये इसका टोटल डिस्प्ले है। राइट साइड में वो ब्लैक सा नज़र आ रहा है, वहाँ वो रेड लाइट ऑन होती है। और लेफ्ट साइड में जो है ज़ीरो और वन लिखा हुआ है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये दो ही बटन है, बाकी पूरा टच स्क्रीन से सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस कैरियर का डिस्प्ले है। रनिंग में ऑन है यानी ये चल रहा है जी, लाइट बंद की। अब हम
इसको एक दफ़ा चेक करेंगे, चल रहा है अब तो। इसमें अलार्म चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या अलार्म आए थे और कब आए थे। तो ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे। और ये जो अलार्म्स का आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अलार्म हिस्ट्री खोल गया। अब अलार्म हिस्ट्री वाले ऑप्शन को डबल क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये ओपन होना शुरू हो गया। चंद सेकंड बाद ये पेज ओपन हो जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। जी, तो पेज ओपन हो गया, अलार्म हिस्ट्री। अलार्म 2:03:40 पे आया था, 6/6 को, चौथे मंथ को 2000 में। कंप्रेसर ए फेस लॉस L3, यानी कंप्रेसर ए जो है उसमें जो ये 3 फेस होता है, तो 3 फेस का जो L3 है, फेस 3 है, उसमें कुछ इशू था। डेट शायद इस पर गलत एंटर हुई है, इसलिए ये 2000 बता रहा है। इसी तरह अलार्म 2 आया हुआ है, अलार्म 3, इसमें टोटल 13 अलार्म आए हुए हैं। स्क्रीन में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अलार्म हिस्ट्री के राइट साइड में 13 अलार्म, यानी अभी तक इसमें 13 अलार्म आए थे। तो पूरे सेव हैं कि किस किस वजह से ये अलार्म आए थे। और सबसे लास्ट 13 अलार्म आप देख सकते हैं, 2018 में आया था, 26/7/2018 में। कंप्रेसर बी फेस लॉस L3, इसका भी कंप्रेसर बी का जो L3 है, 3 नंबर फेस है, उसमें कुछ इशू था, तो इसलिए ये अलार्म आया हुआ है। तो इस तरह हम अलार्म हिस्ट्री पूरी आज तक जितने अलार्म आए हैं वो देख सकते हैं। तो ये हार्ट वाले जिधर घर बना हुआ है उसको प्रेस करके हम वापस मेन मेन्यू में जा सकते हैं। जी, इसे प्रेस किया तो ये हम वापस डिस्प्ले